Hello everyone, today we discuss about SMTP, POP3 and IMAP protocol. Let's see. So SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. It is the most common protocol used for transferring emails between two or more servers. It generally sends the message from a client to a mail server. So basically ye SMTP kya hai? Jo hum log ka jo ek हम लोग जो मेल करते हैं ना बेसिकली मतलब एक जगह से दूसरा एक जगह तक हम लोग ईमेल करते हैं तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस एसएमटीपी प्रोटोकॉल हम लोग ये जो मेल जो भी हम लोग का मेल सिस्टम है वो बेसिकली काम कर रहा है ठीक है जैसे हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जीमेल जो भी हम लोग का मेलिंग सिस्टम है वो जो प्रोटोकॉल को यूज करता है वो है एसएमटीपी ओके SMTP also provides notification regarding the incoming mail server. अगर कोई जैसे हम लोग का notification आता है कि नहीं, so ये notification कुछ mail server से हम लोग का suppose mail notification आता है, वो पूरा मतलब ये सब provide मतलब SMTP करता है, ठीक है? कोई notification आया है mail का, ठीक है? So basically SMTP का काम है क्या है कि एक जगह से दूसरा एक जगह में mail को transfer करना, ठीक है? यहाँ पे कुछ disadvantages है. क्या है SMTP cannot transmit pictures, sounds or videos. Basic जो SMTP का disadvantage है, वो कभी pictures को transmit नहीं कर सकते, sounds and videos. कोई भी multimedia मतलब files को transmit नहीं कर सकते, ठीक है? It is capable of sending text only. ये simply text को ही transfer कर सकता है. But यहाँ पे SMTP का एक advanced version आया था, ESMTP. जो एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इट अलाउज मल्टीमीडिया फाइल्स टू बी डिलीवर्ड एज अटैचमेंट टू एन ईमेल बेसिकली इसको डिजाइन किया था एसएमटीपी का जो प्रॉब्लम्स था उसको ओवरकम करने के लिए तो उसका ये अभी अलाउ करता है मल्टीमीडिया फाइल्स को एक जगह से दूसरा एक जगह तक मतलब ट्रांसफर करने के लिए ठीक है It has limited ability to queue the messages at the receivers end. Hence, we need some other protocols for email retrieval. यहाँ पे ये जो लाइन है, मैं डिटेल्स में समझाऊंगा. It has limited ability to queue the messages. यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है queue. Queue the messages. जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए. सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है? मैं एक ईमेल सेंड कर रहा हूँ. मैं अपने ऑफिस में मेरा ऑफिस यहाँ पे है तो मैं एक साथ बहुत सारा मेल को मैंने सेंड किया ठीक है मैं एक साथ बहुत सारा मेल को सेंड किया सपोज ये ऑफिस में और मेरे जैसा बहुत सारा यहाँ पे एम्प्लॉय है जिसने एक साथ बहुत सारा मेल को सेंड किया यहाँ पे एक ही जगह में अभी अभी ये जो एसएमटीपी का यहाँ पे इसका एडवांटेजेस क्या है एडवांटेज भी बोल सकते हैं और कुछ और एक डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो जितना सारा मैसेज आ रहा है यहाँ पे जो सर्वर होगा मतलब जहाँ से आ रहा है मेल सर्वर यहाँ पे एक सर्वर होगा वो सर्वर से तो ये रिसीव होगा मतलब हम लोग का जो मैसेज है वो पहले कहाँ पे जाएगा ईमेल सर्वर में जाएगा दिस इज द ईमेल सर्वर उसके बाद ईमेल सर्वर से ये मैसेज जो हम लोग का रिसिपिएंट है जो रिसीवर है उसमें रिसीव हो जाएगा तो यहाँ पे एक क्यू होता है क्यू क्यू मतलब जो मैसेज आता है वहां पे एक बफर में स्टोर होता है हम लोग उसको बफर भी बोल सकते हैं तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पे एक मैसेज सेंड हुआ उसके बाद दूसरा तीसरा मतलब यहाँ पे क्यू होता है वो क्यू क्या होता है लिमिटेड होता है क्योंकि अगर ऐसा है कि मतलब 1 मिलीसेकंड का भी मतलब यहाँ पे जब मैसेज रिसीव होता है तो 1 मिलीसेकंड का भी तो 1 मिलीसेकंड का भी मतलब टाइम का डिले तो रहता ही है एवरी मैसेज में क्योंकि ऐसा कोई मैसेज मतलब एट द टाइम मतलब एक ही टाइम में दो मैसेज कभी भी रिसीव नहीं हो सकता हम लोग देखते हैं कि दो मैसेज एक साथ आया लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि दो मैसेज अगर एक साथ रिसीव होता है तो उसमें एटलीस्ट 1 मिलीसेकंड का भी 1 नैनोसेकंड का भी मतलब डिफरेंस होता ही है तो इसीलिए मतलब यहाँ पे क्यू में स्टोर होता है जितना सारा मैसेज आता है सपोज कोई पर्टिकुलरली ऑफिस में हम लोग सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यू में मैसेज पहले क्या होगा यहाँ पे क्यू मतलब ये जो ईमेल सर्वर है वहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्यू है क्यू में स्टोर होगा उसके बाद एक एक करके मैसेज यहाँ पे रिसीव होगा समझ में आया कि नहीं सिंपल है यहाँ पे क्यू होता है ईमेल सर्वर में जितना सारा मैसेज यहाँ पे आता है वहाँ पे स्टोर होता है एक लिमिटेड टाइम के लिए ठीक है उसके बाद यहाँ पे रिसिपिएंट को रिसीव हो जाता है मैसेज ठीक है
नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक पिक्टोरियल डेफिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे ये सेंडर है, सपोज कोई भी क्लाइंट मतलब जो भी मैसेज सेंड कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या जीमेल से कोई भी जो एप्लीकेशन वो यूज कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ एसएमटीपी मैसेज यहाँ से सेंड होगा थ्रू इंटरनेट। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द ईमेल सर्वर, मेल सर्वर जो भी है गूगल का है या माइक्रोसॉफ्ट का है। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ये जो रिसीवर है, रिसीवर इसमें रिसीव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है वी नीड सम अदर प्रोटोकॉल्स फॉर ईमेल रिट्रीवल। मतलब यहाँ पे जो ये क्यू होता है, क्यू ऑलरेडी हम लोग ने क्यू के बारे में डिस्कस किया, मेल सर्वर में बहुत सारा मैसेज एक साथ आया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्यू में स्टोर होगा वो मैसेज, ठीक है, ईमेल। उसके बाद वो जो ईमेल यहाँ पे रिसीव होगा उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल चाहिए, ठीक है, उसके लिए एक प्रोटोकॉल का जरूरत होता है। उस प्रोटोकॉल का नाम है POP3 या तो IMAP, ठीक है। IMAP के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, IMAP या तो POP3, ठीक है। ये दो प्रोटोकॉल है जो प्रोटोकॉल हेल्प करता है कि ईमेल सर्वर से जो भी ईमेल है हम लोग का क्लाइंट मशीन में वो रिसीव हो जाए। सपोज यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो बी को अभी क्या करना है, उसको तो रिसीव करना है मेल, ठीक है, हमने सेंड किया, तो वो मेल को अपना सिस्टम में रिसीव करने के लिए ये दो प्रोटोकॉल का जरूरत है, POP3 एंड IMAP। ध्यान रखना क्या है, POP3 एंड IMAP। SMTP का काम क्या है कि ईमेल को सेंड करना ईमेल सर्वर में, ठीक है। उसके बाद ईमेल सर्वर से उसको रिसीव करने के लिए किसको यूज किया जाता है, POP3 एंड IMAP, ठीक है। दोनों ही क्लाइंट है, यहाँ पे ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ठीक है। बीच में कौन है, ईमेल सर्वर, ठीक है। यहाँ से सेंड करने के लिए यूज किया जाता है SMTP एंड रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है POP3 और IMAP, ओके, वेरी सिंपल। यहाँ पे व्हाट इज POP3, POP3 स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। ये भी एक प्रोटोकॉल है। इसका काम क्या है, इट इज एन अनदर मोस्टली वाइज्ड मोस्ट कॉमनली यूज्ड ईमेल प्रोटोकॉल। POP3 helps for retrieving emails. Already हम लोग ने डिस्कस किया, retrieving emails from a remote web server using a local client. Okay? POP3 downloads the email to our local computer and remove it from the mail server. Okay? जब भी यहाँ पे POP3 रिसीव करेगा उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सर्वर से वो मेल को डिलीट कर देगा। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं POP3 का, यहाँ पे POP3 का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है और कुछ एडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारा जगह से, जैसे हम लोग का ये ईमेल सर्वर है, बहुत सारा जगह से हम लोग एक साथ मतलब कॉन्करेंटली हम लोग कोई भी मतलब मैं सपोज मेरा एक सिस्टम मेरा घर में भी है, ऑफिस में भी है, उसके बाद कई जगह पे भी है, तो मैं बाकी मतलब मैं अपना जो ये ईमेल सर्वर है मैं एक ही सिस्टम से उसको एक्सेस कर पाऊंगा। मतलब मैं अलग अलग जगह से मेरा जो ईमेल सर्वर है मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ये उसका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। मतलब बहुत सारा जगह से लोकेशन से हम लोग विद द हेल्प ऑफ POP3 हम लोग अपना ईमेल सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हम लोग ईमेल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये उसका डिसएडवांटेजेस है। और एडवांटेजेस क्या है कि हम लोग सपोज कोई भी ईमेल हो वो अगर हम लोग व्यू करेंगे, ओपन करेंगे, वो डायरेक्टली हम लोग का सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। और मतलब डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग सपोज मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तभी भी मैं उसको रीड कर पाएंगे, ऑफलाइन उसको रीड कर पाएंगे। मतलब जब एक बार अगर मैसेज रिसीव हो जाता है, मतलब डाउनलोड हो जाता है अपना सिस्टम में व्यू करने के बाद, उसके बाद अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी हो तो बाद में उसको हम लोग बाद में मतलब विदाउट इंटरनेट हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये IMAP हम लोग डिस्कस करेंगे। IMAP में और POP3 में कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो IMAP में क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मतलब दोनों ही वाइडली यूज है, मतलब दोनों ही मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन दोनों का कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। तो हम लोग ने डिस्कस किया POP3 के बारे में।
नेक्स्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आईमैप के बारे में, ठीक है। आईमैप सेम प्रोटोकॉल है, आईमैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्रीव ईमेल मैसेजेस फ्रॉम ए मेल सर्वर ओवर ए टीसीपीआईपी कनेक्शन। यहाँ पे टीसीपीआईपी कनेक्शन मतलब यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन रहना जरूरी है। यहाँ पे ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया इसका मतलब क्या है, इंटरनेट कनेक्शन रहना जरूरी है। मतलब जब भी हम लोग आईमैप मतलब जब भी हम लोग मल्टीपल लोकेशन से हम लोग क्या करेंगे अपना ईमेल सर्वर को एक्सेस करेंगे उसी समय हम लोग को इंटरनेट कनेक्शन रहना जरूरी है। मतलब यहाँ पे ऑफलाइन हम लोग कोई भी ईमेल को हम लोग व्यू नहीं कर सकते, ठीक है। IMAP is suitable for people who need to access email from multiple computers since IMAP stores our email on the email server. ये बार ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि IMAP क्या है, suitable इसके लिए suitable है who need to access email from multiple computers, जो बहुत अलग अलग कंप्यूटर से अपना emails को एक्सेस कर सकते हैं उसके लिए बहुत मतलब उसके लिए ये बहुत suitable है। और जो जो email है वो कहाँ पे स्टोर होता है, email server में, ठीक है। IMAP allows concurrency. ये ऑलरेडी मैंने बोला कि IMAP क्या allows करता है, concurrency मतलब that is we can access our mailbox from multiple locations at the same time. ऑलरेडी मैंने बोला POP does not provide this facility. क्योंकि POP का काम क्या था कि वो एक ही सिस्टम में एक ही टाइम में मतलब जब भी हम लोग ईमेल्स को हम लोग एक्सेस करेंगे वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है, वही एक ही सिस्टम में डाउनलोड होगा, ठीक है। उस सिस्टम में डाउनलोड होगा और उस सिस्टम में हम लोग बाद में ऑफलाइन उसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या होगा, आईमैप में नहीं हो सकता। आईमैप में हम लोगों को अगर कोई मेल को अगर व्यू करना है मतलब उसमें एडवांटेजेस क्या है कि हम लोग मल्टीपल लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन व्यू करने के लिए हम लोग के पास इंटरनेट कनेक्शन रहना जरूरी है और हम लोग उसको ऑफलाइन व्यू नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल ए स्कूल्स ऑफिस ईमेल अकाउंट इज एक्सेस बाय मेनी पर्संस फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीचिंग डिपार्टमेंट। हाँ ये तो होता ही है, ये तो बेसिक एग्जांपल है क्योंकि एक स्कूल का जो ईमेल है वो एक प्रिंसिपल भी एक्सेस करता है, ठीक है, मैनेजमेंट स्टाफ भी एक्सेस करता है और टीचिंग डिपार्टमेंट भी एक्सेस कर सकता है। मतलब अगर मल्टीपल लोकेशन अगर एक्सेस किया जाता है कोई भी जगह में अगर कोई ईमेल अगर डिलीट भी हो जाता है तो वो पूरा सिस्टम से भी डिलीट हो जाएगा। मतलब अगर मेन ईमेल सर्वर से अगर डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे भी डिलीट होगा, 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 समझ में, क्योंकि वो एक ही मेल सर्वर से कनेक्टेड है, समझ में आया कि नहीं। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, ओके। तो ये यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, जैसे ईमेल सर्वर, ये ईमेल सर्वर है, ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया ईमेल सर्वर को हम लोग मल्टीपल लोकेशन से हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। जैसे मैं अपना स्मार्टफोन से भी यूज कर रहा हूँ, उसके डेस्कटॉप से भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं टैबलेट से भी यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे और एक डेस्कटॉप से भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे बॉब्स यूजर एजेंट, मतलब बॉब है क्या है, उसका एक क्लाइंट है, ये एक क्लाइंट है, बॉब एक मैसेज कर रहा है, एक ईमेल सेंड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एसएमटीपी। तो ये बॉब का मेल सर्वर है, उसका मेल सर्वर क्या है, जीमेल, ठीक है। बॉब का मेल सर्वर क्या है, जीमेल का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैसेज सेंड हो गया। अभी एलिस का जो मेल सर्वर है वो क्या है, याहू का है। मतलब इसका जो बॉब का मेल है वो जीमेल में रजिस्टर्ड है और जो एलिस का जो ये मेल है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, याहू में रजिस्टर्ड है, ठीक है। अभी मेल सर्वर में एलिस का मेल सर्वर में तो वो पहुंच गया, याहू में पहुंच गया, ठीक है। अभी उसको रिट्रीव करना है, कैसे रिट्रीव करेंगे, एलिस इसको कैसे रिट्रीव करेंगे, रिट्रीव करने के लिए IPOP3 एंड IMAP ये दोनों प्रोटोकॉल्स रहना जरूरी है। कोई भी एक यूज कर सकते हैं, या तो POP3 या तो IMAP, ठीक है। जब भी यूज करेंगे डायरेक्टली उसके सिस्टम में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। हम लोग ने देखा कि SMTP, उसके बाद POP3 एंड IMAP का वर्किंग प्रोसीजर, तो इतना ही जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हायर स्टडीज में हम लोग इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में हम लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो प्रोटोकॉल्स है और नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।